फ्रेंड्स, जीत रंगोली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक बहुत बड़ा सा मल्टी कलर दिवाली स्पेशल, एक सुंदर सा संस्कार भारती रंगोली सीखेंगे। तो जो पहला राउंड है, मैं 17 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक राउंड बनाया। जो दूसरा राउंड है वो 30 सेंटीमीटर का है, यानी सेंटर से लेके 30। इसके बाद का जो राउंड है वो 70। ये जो राउंड है ये 70 है, और जो लास्ट राउंड है वो 90 सेंटीमीटर का है। ये जो लास्ट राउंड है ये 90 सेंटीमीटर का है, यानी सेंटर से लेकर जो लास्ट राउंड है वो 90 सेंटीमीटर का है। जो शुरुआत का जो छोटा सर्कल है वो 17 सेंटीमीटर का है। 17, 30, फिर 70, फिर 90। तो सेंटर में एक मोर बनाएं एक दिया के ऊपर, ताकि थोड़ा सा जो जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, क्रिएटिव दिखे। संस्कार भारती तो बनाने साइड में, लेकिन बीच का जो जो मेन है सेंटर पॉइंट, वो थोड़ा सा क्रिएटिव दिखना चाहिए। करके आप एक क्रिएटिव दिए के ऊपर एक मोर बनाएं, और दो कलर फिल किए, डार्क ब्लू और वायलेट, दोनों को छन्नी में लेके मिला के दोनों को ब्लेंड किए। फिर जो डार्क ब्लू है उसके साइड में पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, और पिंक को थोड़ा सा शेड दिखाने के लिए हमने साइड से थोड़ा रेड यूज़ किए, तो थोड़ा सा डार्क लाइट शेड आ गया। अभी मोर को क्लियरली दिखाने के लिए हमने मोर के बैकग्राउंड को वाइट रखा, ताकि मोर को क्लियर दिखे। मोर के जो पंख है डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, जो मोर है उनका जो आउटलाइन है वो डार्क ब्लू से देंगे, और अंदर का जो भाग है वो स्काई कलर, यानी लाइट ब्लू या स्काई कलर। अब स्काई कलर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिला के थोड़ा सा हाईलाइट किए। उनके जो पंख है इसमें ऑरेंज कलर भरे, उनके जो चोंच है उसमें भी ऑरेंज दिए। आँखें पहले व्हाइट देना है, फिर ब्लैक से आँखें बनाना है। मोर पंख है वहाँ पर येलो, ऑरेंज, ब्लू और नेवी ब्लू या इंडिगो ब्लू, और उसके साइड में थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक से कुछ रेशा दिया यहाँ पर। और जो ग्लू बॉटल है या फेविकॉल बॉटल है इससे आउटलाइन करेंगे, ताकि थोड़ा सा और क्लियर दिखे। जो वाइट बैकग्राउंड बनाए थे मोर के, वहाँ पर वाइट रंगोली से ही डॉट बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा मैच करे उसमें। जो दिया है दिया को रेड कलर देंगे, ना ये रंगोली फिलर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें क्या काम जल्दी होता है और थोड़ा सा फिनिशिंग भी आता है। दिए के लो उसमें भी थोड़ा शेड देंगे, और जैसे नीचे दिया में रेड कलर दिए तो उसको थोड़ा सा डार्क या शेड दिखाने के लिए ब्लैक, रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिलाए, थोड़ा सा कत्था बना के वहाँ पर शेड दिए, ताकि जो नीचे जो डिज़ाइन बनाएंगे वो अच्छा लगे या शेड दिखे। क्योंकि जब रंगोली में शेड करते तो वो ज़्यादा असरदार दिखता है। यहाँ पर सिंपल सा इस प्रकार के झिकझैक का डिज़ाइन बनाएंगे, और ये फनेल है या चाड़ी, इसे कुछ डॉट बनाएंगे और थोड़ा सा फूल के शेप देंगे ब्रश के पीछे भाग से।
फिर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डॉट के लिए फनल यूज़ किया, ये फेविकॉल बॉटल्स है, चारों तरफ चार इस प्रकार की डिज़ाइन देना है और उसके बीच बीच में एक, यानी टोटल 8 डिज़ाइन आएगा। और यहाँ पर ज़्यादा खाली लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर येलो कलर से थोड़ा सा राउंड दिए। संस्कार भारती में इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि जो वाइट रंग हमें ज़्यादा यूज़ करना है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं कि जो हम बैकग्राउंड में जो कलर दे वो दब जाए, वो कलर भी दिखना चाहिए। इसलिए जितना हल्का सुबक डिज़ाइन हो सके वो यूज़ करना है। फिर यहाँ पर थोड़ा बड़ा भाग है जो सेंटर से लेके 70 सेंटीमीटर का था गोलाई, यहाँ पर अलग अलग कलर फिल करेंगे, ये भी बढ़िया इफेक्ट आता है संस्कार भारती में। जो चाय छन्नी आता है लोहे वाला, प्लास्टिक वाला नहीं, प्लास्टिक वाला में कैसे थोड़ा बारीक रहता है उनका जाली, तो बड़ा काम नहीं होता है, वो शेड के लिए अच्छा है। फिर से हम फनेल से जो मेन डिज़ाइन है, ये जो बड़ा भाग हमने कलरफुल बनाए, यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए हम फनेल यूज़ करेंगे और सिंपल सिंपल डिज़ाइन देंगे। ये फनेल यूज़ करना है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या आपको यदि फेविकॉल बॉटल का प्रैक्टिस है तो फेविकॉल बॉटल से भी बना सकते हैं। फेविकॉल बॉटल से कैसे थोड़ा सा बारीक बनता है, हालांकि यहाँ पर बड़ा डिज़ाइन है इसलिए थोड़ा मोटा बनना चाहिए करके मैंने फनेल यूज़ किया, लेकिन आप प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक फेविकॉल बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास मोटे दाने का कोई संस्कार भारती के कलर है वाइट रंगोली, तो वो हाथ से भी बना सकते हैं, क्योंकि संस्कार भारती का जो रंगोली होता है वो थोड़ा मोटे दाने का होता है और हाथ से आसानी से वो गिरता है। जो आउटर फेस है यहाँ पर थोड़ा जो दो कूल कलर चूज़ किया मैंने यहाँ पर ग्रीन और ब्लू, क्योंकि जो अंदर का फेस में वो थोड़ा सा हॉट कलर है, यानी रेड येलो ब्लू पिंक ये सारे दिख रहे हैं, तो यदि हम साइड में कुछ ऐसा हॉट कलर दिखा रहे थे रेड या पिंक, तो वो जो अंदर का कलर वो दब गया रहता, इसलिए वो कलर को एक जगह रहने दिया, इसलिए जो कूल कलर है डार्क कलर है उसको बाहर रखा। फिर जो बड़ा राउंड में भी डॉट देंगे और फनेल के सहायता से एक जो गोपद्मा है वो डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मार्किंग कर लिया कि चार पहले चार साइड में चार मार्किंग, उसके बीच में दो दो मार्किंग, मार्किंग नहीं करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, बाद में अपन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार बनाते जाना जो जो मार्किंग किए हैं। ये है पट्टा बनाने का, पट्टा डिज़ाइन बनाने का बॉक्स, ये मार्केट में आ जाता है रेडीमेड, बस इसमें जो संस्कार भारती के जो रंगोली होता है जो थोड़ा मोटे दाने का होता है फ्री गिरता है वो भरना है, तभी ये अच्छा वर्क करता है। यदि बारीक रंगोली भरेंगे तो वो अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार के साइड से पट्टे का डिज़ाइन देना है। और ये जो गोपद्मा जो डिज़ाइन बनाए थे यहाँ पर ज़्यादा खाली लग रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने जो फूल बनाते छोटे छोटे उंगली की सहायता से डॉट डाल के वो फूल यहाँ पर बनाना है, तो वो थोड़ा सा पैक भी दिखेगा और जो फूल है वो भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार सभी जगह पे वो फूल के डिज़ाइन देना है, इसमें थोड़ा सा अलग लुक आएगा। और ये हमारा बन गया जो पूरा रंगोली कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाला मेरा हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आने वाली दीपावली आपके जीवन में ढेरों सारे खुशियाँ लाए। आप सभी लोगों को जीत रंगोली परिवार की ओर से एडवांस में हैप्पी दिवाली। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।